हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। खबर तो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार मौत, इलाज नहीं हो रहा है, आइसोलेशन में मौत हो रही है, आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, कई ऐसी समस्या की ऐसी बात आ रही है। लेकिन जरा हम गौर करके आपको बता दें, दरभंगा डीएमसीएच पर नजर रखना आवश्यक है क्योंकि ये दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के तमाम मरीजों का यहाँ इलाज होता है और यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनको पूरी तरह व्यवस्था के साथ ऑक्सीजन के साथ इलाज किया जाता है। हालांकि हम बता दें कि दरभंगा में 16 निजी क्लिनिकों को डीएमसीएच से जो संबंध थे उनको जिम्मेवारी दी गई है कि आप अपने 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रखें। डॉक्टर शुक्ला के निजी नर्सिंग होम को छोड़कर बाकी जगह बेड काफी कम है। डॉक्टर शुक्ला के यहाँ यानी कि आईवी स्मृति में सबसे ज्यादा 40 बेड बनाए गए हैं, जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां सबसे ज्यादा प्रेशर है, प्रशासनिक, राजनेता के और कई प्रबुद्धशाली लोगों के वहां सबसे ज्यादा दबाव रहता है, फिर भी वहां इलाज चल रहा है। कई से निजी क्लिनिक ऐसे हैं जहां पर सही तरीके से इलाज भी नहीं चल रहा है, सही जगह से वहां व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन हम बता दें आपको, दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में करीब 120 बेड है और 117 बेड हमेशा फुल रहते हैं। कभी 2 या 3 बेड बचा के रखा जाता है कि कभी ऐसा रिजर्व में कोई डॉक्टर या अस्पताल के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी हो तो उसे व्यवस्था किया जाए। लेकिन हम बता दें, पिछले जब डॉक्टर ओपी गिरी अभी आए हैं, प्रभारी हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर मणिभूषण शर्मा थे, उनके हाथ में 2-3 महीना थे जब उन्होंने ज्यादा काम करना चाहा, वो नहीं हो पाया। डॉक्टर आर आर प्रसाद पिछले वर्ष इसी तरह यहाँ के अधीक्षक थे तो जाम हथेली पर लेकर डीएम के साथ मिलकर उन्होंने कार्य किया, उस समय इस तरह हाहाकार नहीं था, थोड़ा सा हाहाकार मचा था लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि डॉक्टर ओपी गिरी डीएमसीएच की व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया, जिस पर आरोप लग रहा था वार्ड बॉय, इसके अलावा वहां की सफाई एजेंसी पर, जो खाना सप्लाई कर रहे थे उन पर, उन तीनों के भुगतान को रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आपके कार्य संतोषजनक नहीं होगी तब तक आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए डीएमसीएच का आइसोलेशन चकाचक लग रहा है, वार्ड बॉय भी नजर आ रहे हैं, खाना भी समय पर सही तरीके से मिल रहा है। तो ऐसे करे अधिकारी की आवश्यकता है ताकि उनका डर ऐसे लोगों के खौफ में हो जो कि कालाबाजारी का काम करते हैं, जो काम नहीं करते, वेतन उठाना चाहते, जो पैसे उठाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर डीएमसीएच की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। हम दूसरी बात बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन जो प्लांट लग रहा है उस पर भी कार्य चल रहा है और आज संभवतः ड्राई रन किया गया था और ड्राई रन के आधार पर आज से वो प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि 26 आईसीयू जो कि बनना था, अभी 6 ही आईसीयू कोरोना आईसीयू काम कर रहा है जिसमें 6 मरीजों का इलाज चलता है और 6 वेटिंग रहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो मरीज सीधे प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं। लेकिन यही सवाल है कि जब 2 महीना थे डॉक्टर मणिभूषण शर्मा तो ये 26 आईसीयू के बेड को क्यों नहीं प्रारंभ कराया, एक बड़ा सवाल उनके सामने आता था। लेकिन अब जब प्रारंभ हुआ था, एक दिन चला, एक मरीज को ड्राई रन के लिए रखा गया लेकिन पाइपलाइन लीक हो गया, इसलिए मरीज को वापस कोरोना आईसीयू में भेजा गया। यानी यहाँ की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, कोई तकनीशियन सही कार्य नहीं कर रहा है, कभी उसमें कई ऐसी पद्धति है जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह का खेल होता है डीएमसीएच में, कहाँ कहाँ पर कमीशन लगता है, कहाँ कमीशन नहीं देने पर कहाँ कार्य में कोताही बरती जाती है, यह संविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी किसी परिस्थिति में जहां लोग मर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में यह नैतिक दायित्व बनता है कि डॉक्टर ओपी गिरी जैसे कड़े तेवर के साथ यहां पर काम कराया जाए। अब देखिए कि क्रायोजेनिक ऑक्सीजन मशीन प्लांट लग रहे हैं और उसके बाद यहां पर बायपैक मशीन लगाए गए, जो 75 बायपैक मशीन 2 दिन के अंदर लग जाने हैं। अगर 75 लग जाते हैं तो मात्र 25 ही बचेंगे, जिस पर अब लोगों को छोटा बायपैक मशीन का मतलब होता है छोटा वेंटिलेटर, जिससे मरीज को सारी सुविधा उसमें छोटा गैस सिलेंडर से मिल सकता है। यही नहीं, जिला प्रशासन का यह आदेश आया है कि डीएमसीएच के सभी विभाग के 75% सीट को कोरोना मरीज के लिए रखा जाए और वहां उसका इलाज किया जाए, क्योंकि डीएमसीएच के आइसोलेशन में दबाव बढ़ गया है मरीजों का। ऐसी परिस्थिति में सभी विभाग भर रहे हैं, सभी विभाग में 75% लोग करके रखा जा रहा है, बाकी मरीजों की संख्या कम की जा रही है। जरा सोचिए, ऐसी परिस्थिति में मेडिसिन विभाग के यूसी झा
वो विभागाध्यक्ष पद से विमुक्त होना चाह रहे थे, उन्होंने पत्र लिख दिया, फिर वो पत्र वापस भी ले लिए, उन्होंने ये भी कहा कि अब सब कुछ समान है। तो जब प्रशासन इस तरह कार्य कर रही है जनता को बचाने के लिए, ऐसी परिस्थिति में सभी जो डीएमसीएच के अधिकारी हैं, डॉक्टर है, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करें। इस बार जो कोरोना संक्रमण है वो काफी भारी है और लगातार लोग घर से लेकर के आइसोलेशन तक में मौत हो रही है, निजी क्लिनिक में मौत हो रही है, प्रत्येक दिन 10 से ऊपर मौत हो रही है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अधीक्षक और डीएम जेडीसी के साथ मिलकर कार्य करें ताकि तमाम दरभंगा की जनता को फायदा हो सके। तो देखिए बिहार में तालीस पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार में तालीस सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।